ऊंचाई की, हमारा तो मन ये है कि इतना ऊंचा हो जी कि इसकी जो लपटें हैं वो चंडीगढ़ और दिल्ली में जो बैठे हुकमरान अंधी जो सरकारें हैं उसकी। साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। अभी हम हैं जींद जिले के खटकड़ टोल प्लाजा पे, बहुत क्रांतिकारी टोल प्लाजा है। और पहले दिन से संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन के हर कदम पे मजबूती के साथ सहयोग किया है। उसके साथ साथ खटकड़ टोल प्लाजा समय समय पे अपनी एक अलग लीक बना करके दूसरों को प्रेरणा देता है आंदोलन में योगदान देने के लिए। और आज हम यहाँ खटकड़ टोल प्लाजा पे आए और मेरे साथ यहाँ खटकड़ टोल प्लाजा के खेड़ा खाप के प्रधान हैं आदरणीय सतबीर पहलवान जी, मेरे साथ डॉक्टर सुशील जी हैं, आप देख सकते हैं भाई हमारे युवा प्रधान हैं यहाँ के, संदीप चैल जी बड़ौदा से, भाई अनीस खटकड़ जी हैं और जयप्रकाश फौजी जी हैं और तमाम यहाँ पर जो है साथी हैं उधर हमारे भाई अनिल उचाणा जी हैं। तो साथियों अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, और जो बुराई के प्रतीक इस देश में बन चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी के नेता खट्टर और तमाम इनके सहयोगी दुष्यंत, और जो 16 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है पुतला दहन की और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए पूरे देश में पुतले फूके जाएंगे गांव-गांव में। और मुझे लगता है कि खटकड़ टोल प्लाजा पे 2-3 दिन से तैयारियां चल रही हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको पूरा दिखाएंगे। और लगभग मुझे यहां जानकारी मिली कमेटी से कि 70 फुट लंबा और यहां हमारे जो युवा साथी हैं वही इसको तैयार कर रहे हैं ताकि पैसे की भी बचत हो, क्योंकि ये आंदोलन एक एक पैसे से किसान की नेक कमाई से चल रहा है और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तो हम इनसे जानते भी हैं कि कैसी तैयारियां, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि हरियाणा में जितने टोलों पे हमारे पुतले जलाए जाएंगे उनमें ये सबसे विशाल और सबसे बड़ा पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। तो सतबीर पहलवान जी इसके बारे में बताएंगे। भाई न्यू है रवि जी, हमने आपने बताई पैसे की बचत करनी है और इस पापन सरकार का विरोध ऊंचे से ऊंचा करना है जी, इसलिए हमने जानबूझ के ये जो ये आप दिखा रहे हो जी ये हमारे बांस बल्ले हैं, हमारे खेतों के हैं, हमारे मकाना के हम टोटो के ले आए हैं जी, और पुराना पुरानी सामग्री है जी। रही फूटों की बात, फूटो तो हम ये सामान हमारे पास थोड़ा, अगर इस भाजपा सरकार का विरोध करा जाए तो हम 500 फुट का विरोध करने भी हमारा सबर नहीं आवे, बहुत बहुत क्योंकि ये सरकार ऐसी है या इतनी, मतलब इन्होंने आज तक भारत में जी भारत का तिरंगा को ये जानते नहीं, संविधान को ये जानते नहीं, समाज के नियम को ये जानते नहीं। गलती से कुर्सी चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ा भी उस कुर्सी के लिए हमारा सिर फोड़ दें जी, हमारे 700-750 जवान शहीद कर दें। जब हम 11 महीने से संयम बरत रहे थे भाई हम मुठभेड़ नहीं करेंगे, लेकिन लखीमपुर खीरी में इन्होंने मारा को जानबूझ के मारा, कौन सा तरीका था, फिर भी हम संयम बरतेंगे। इस धरती पर जो भगत सिंह और पैदा होके चले गए हम उनकी संतान हैं, उनका संयम पर चलेंगे। ये संयम तोड़ना चाह हमारा, आंदोलन तोड़ना चाह है हमारा, क्योंकि आंदोलन टूटने इनको फायदा होगा, हमारा आंदोलन नहीं टूटने देंगे। आदमी दिंदे रहेंगे, दाग दिंदे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा पुराना, ये हमारा इरादा पक्का है। बहुत धन्यवाद, आपने पहलवान जी की जो दर्द है आंदोलन के लिए वो आपने उनकी जुबान से सुना। भाई अभी हमारे बीच में अनीस खटकड़ जी और इसके बारे में जानकारी देंगे। भाई जिस तरह रवि भाई संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी कि भाई रावण की जगह 15 तारीख को जी दशहरा वाला दिन मोदी खट्टर उसके 10 शेर बनाएंगे, जो उसके 10 सही होगी है, जो किसान न बर्बाद करने पर तुले हो रहे हैं उनका पुतला फूकना है अपन। तो फिर जिस तरह खटकड़ टोल संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी कॉल करा उस पर फूल चढ़ावा है, तो जिस तरह हर बार अलग करा इस बार भी नहीं सोची भाई कुछ अलग करा, तो इसका पता लगाने खातर दशहरा का टाइम नज़दीक है, अपने जींद में भी बनावा ही पुतले उनके पास गए थे तो उन्होंने इसकी कीमत बताई 1,00,000 रुपये, तो फिर 1,00,000 रुपये आप जला नहीं सकते। तो बेसोड़ा मैं संदीप भाई थे, 2-3 भाई और थे हमारे साथ, हमें DC था, तो हमने के कराया कि भाई उसका थोड़ी बनावट सी देख ली भाई किस तरह बनावा है, उन भाइयों ने भी पूरी मदद करी भाई तुम खुद भी बना के देख लो, बांस आपने
पता अपना मकान 3-4 रुपए गिर लिया, तो बांस बल्ली सब कुछ हो रहा था, 7-8 हजार रुपया नया सामान आया और यो आधा के करीब बन के तैयार हो गया, आधा आज रात ने बना लेंगे। तो लगभग 70 फुट ऊंचा मोदी का, और आपने बता दिया कि 22 चेहरे जड़ावांगे साथ में, 10-2 रावण के चेहरे हैं और 10 जो है छुट भैये हैं छोटे मोटे, छाती के ऊपर इनके मुकोटे लगा के जड़ावांगे। तो 22 जो तानाशाही सरकार के चेहरे हैं जो किसान ने बर्बाद करने पर तुले हो रहे हैं, 16 तारीख ने 70 फुट ऊंची प्रतिमा पर दुष्यंत भी शामिल है क्या? बिल्कुल भाई, दुष्यंत भी, खट्टर भी, अनिल विज भी, दोनों कृषि मंत्री, आयुष सिन्हा भी है, आशीष मिश्रा भी है जी, जो अपने लखीमपुर की घटना का गृह राज्य मंत्री है जो, और जो ये हैं सोनाली फोगाट है, जिस जिस नाम पे तंग करे हैं पूरा हरियाणा में, एक भी चेहरा नहीं बख्शा, सारे चेहरे 70 फुट ऊंची प्रतिमा पर धुआंधार जड़ेंगे भाई। बहुत धन्यवाद। और 22 चेहरे लगा करके और पुतले को जलाया जाएगा। और सुशील भाई आप क्या कहेंगे? रवि भाई देखो, वैसे तो दशहरा जो है जी, वो अच्छाई का जो प्रतीक माना जाता है, मतलब श्री रामचंद्र जी, जी उसने विजय पाई थी रावण पे, बुराई पे विजय पाई थी। हमें दुख है कि इस दशहरे तक हम उस बुराई पे विजय नहीं पा पाए और हम जीत नहीं सके, इसके लिए हमें कितने दशहरों का वेट करना पड़े, लेकिन जब तक इस रावण रूपी जो ये जो सरकारें हैं इनका हम सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और दूसरा बात रही जो ये फुट की कितने ऊंचाई की, हमारा तो मन ये है कि इतना ऊंचा हो कि इसकी जो लपटें हैं वो चंडीगढ़ और दिल्ली में जो बैठे हुकुमरान अंधी जो सरकारें हैं उसकी लपटें उन तख्तों तक जाएं, उनको पता लगे कि किसान का दर्द क्या है, किसान की आवाज़ क्या है, इनकी लपटें दिल्ली तक जाएं, हम इतना ऊंचा इसको बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद। और अभी एक बार जो है आपको एक बार जल्दी से आप देख सकते हैं, ये पूरी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, जो बांस हैं किसानों ने सारी अपने खेतों से व्यवस्था की है। और ये साथियों केवल आधा है, ये केवल आधा पुतला है, अभी आधा और बाकी है, और यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। और बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी लपटें चंडीगढ़ और दिल्ली की गद्दी तक जानी चाहिए। और इसी के साथ में अनिल भाई आप कुछ कहोगे? जी मैं तो भाई साहब इतना ही कहना चाहूँगा, अनीश भाई है, संदीप भाई है, सतवीर जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, चलिए हम कहीं बाहर रह के आंदोलन लड़ रहे हैं, ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। मैं इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने जीन जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, सबसे अलग कुछ करके दिखा रहे हैं, इन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों इसको जरूर शेयर करें और बाकी सब भी जोरदार तैयारियां करें। खटखट टोल प्लाजा जींद हरियाणा से रवि आजाद।